नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से आज की इस क्लास में। शाम को 5 बज चुके हैं और आज फिर से 300+ क्वेश्चन की उसी कतार में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और आज पार्ट 7 है और आज भी कुछ क्वेश्चन आपको कराने का प्रयास किया कि हर तरीके के क्वेश्चन हम आप तक पहुंचा पाएं, आपको कुछ नई चीज़ें सिखा पाएं। तो अगर आप सभी आज के लिए तैयार हो तो जल्दी से सारे लोग कमेंट बॉक्स में जुड़ जाओ और आज के सेशन का हम आगाज करते हैं, ठीक है ना। और देखते हैं कि आज ऐसा क्या कुछ नया होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज के सेशन का शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कल का जो होमवर्क है उसे भी हम एक बार देख लेंगे कि भाई कल का होमवर्क कितने लोगों ने सही जवाब दिया और कितने लोगों का सही हुआ, ठीक है ना। तो चलो देख लेते हैं। उससे पहले ये बता दूं, ये मेरा होमवर्क था और इसका आंसर जल्दी से आप लोग देते हैं और आपका 30 सेकंड मैंने शुरू कर दिया, जल्दी से जवाब दे दो। तीस सेकंड का क्वेश्चन ही है, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। ऐसे सिलॉग आपके रेगुलर प्रैक्टिस में रहने चाहिए। ये होमवर्क था कल का, मैं आपको पहले बता दूं, ये होमवर्क का क्वेश्चन था जो मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। ठीक, अब जरा मेरी बात सुनिएगा। उसने बोला सम आइज आर ईयर, तो हमने क्या लिखा, सम आइज आर क्या है, ईयर है, ठीक है ना। तो हमने ईयर लिख लिया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, सम ईयर आर लंग्स, सम ईयर आर लंग्स, ठीक है। ऑल लंग्स आर हैंड्स, ऑल लंग्स आर हैंड्स, इजी है, एकदम इजी है। उसने बोला सम हैंड्स आर आईज, तो हैंड्स ये है, आईज ये है, दोनों दूर दूर है, आपस में 100% कोई रिलेशन हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि हैंड्स दूर है और आईज दूर है, आपस में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। सम हैंड्स आर ईयर, बिल्कुल, अगर पूरा लंग्स हैंड्स के अंदर है, पूरा लंग्स हैंड्स के अंदर है, तो अगर लंग्स का कुछ भाग ईयर है तो हैंड्स का भी कुछ भाग ईयर होगा, बिल्कुल सही जवाब। सम लंग्स आर आईज, लंग्स ये है और आईज ये है, दोनों दूर दूर हैं, आपस में सही नहीं होंगे। और अगर नो की बात करोगे तो ये तो मैं देखते ही गलत कर दूंगा, क्योंकि पूरा पॉजिटिव है और इन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन नेवर बी फॉलो विथ 100%, इसलिए गलत हो जाएगा। ओनली सेकेंड विल बी द राइट आंसर, केवल दूसरा ही क्या होगा, सही होगा, केवल दूसरा क्या होगा, सही होगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अगला मेरा क्वेश्चन ये था जो HW का था, ठीक है ना। अब इसका जवाब कितने लोग अभी देते हैं वो मैं देख लेता हूं, जल्दी से आपका टाइमर स्टार्ट कर दिया है मैंने। सोचो सोचो, जल्दी बताओ, किसी का भी जवाब अभी तक सही नहीं आया, सोच के जवाब देना कि इस डायग्राम को देख के बताओ बिंदु ए को बिंदु बी तक पहुंचने में कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा। किसी ने कहा कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा, तो लोग मैक्सिमम लोग क्या कहेंगे, सर एक ये चला, फिर यहाँ पे दो, फिर इधर चला तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, फिर सात, फिर आठ, फिर नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। सर 17 दिशाओं में चला, क्या 17 दिशाएं होती हैं? वो चाहे जितना इधर उधर घूम ले, घूमेगा तो सिर्फ कितनी, 8 ही दिशाओं में। भाई वो जितना भी घूमेगा कहाँ घूमेगा, 8 ही दिशाओं में घूमेगा, इतने ही घूमेगा, तो वो 8 दिशाओं से ज्यादा कहीं घूम ही नहीं सकता। तो इसलिए आप यहाँ पे टर्निंग पॉइंट नहीं गिनेंगे, वो 8 दिशा में, मतलब ये ईस्ट भी मान सकते हैं, इधर वेस्ट भी मान सकते हैं, साउथ भी गया है, इधर नॉर्थ भी हम मान सकते हैं, यहाँ पे देखो ये सारी दिशाओं में, इस तरह हम देखें तो सारी दिशाओं में, यानी 8 से ज्यादा दिशाएं होती ही नहीं है, 8 से ज्यादा दिशाएं ही नहीं होती है, यानी वो केवल और केवल सिर्फ 8 दिशाओं में ही घूमेगा, केवल 8 दिशाओं में ही घूमेगा। बोलो बात सही है। चलो इतने लोगों ने जवाब दिया, भाई संदीप मिश्रा जी कह रहे हैं सजीव प्रणाम भैया, खूब मस्त रहिए, खुश रहिए, इन्होंने आंसर दिया, मैं रीड मोर नहीं किया, लेकिन चलो संदीप ने आज दिन सुबह का भी आंसर सही दिया था। रितियाज सेठ हैं, बिल्कुल, टू इज इम्प्लिसिट, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज 8 से ज्यादा डायरेक्शन नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। अनुज सेवक है, राजेश कुमार है, एस पंचिमा है, आशा सिसोदिया है, पिंटू, आशुतोष कुमार, रिम्पी मंडल, एस पंचिमा, ये रेगुलर बच्चे हैं जो जवाब देते हैं, 8 डायरेक्शन बिल्कुल सही है। कूल गर्ल है, रुचिका सिन्हा है, अमनदीप सिंह, सलोनी सिंह, श्वेता कुमारी, रश्मि क्लिसर और रिम्पी, दीप्ति कुशवाहा और मोमिता पॉल, ये सारे लोगों ने जवाब दिया है। ये इतने लोगों का जवाब ये मेरे कमेंट बॉक्स में है जिन्होंने अपना आंसर यहाँ पे दिया है। चल तो दोस्तों आज के सेशन का आगाज करते हैं और आज देखते हैं कि क्या कुछ नया है आपके लिए और कैसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका सिटिंग अरेंजमेंट से,
ठीक है। तो ये है आपका टाइमर, लेकिन उससे पहले हिंदी भाषी लोगों को मैं भूल नहीं सकता, उनको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको बताता हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो इसका, ठीक है। ले लिया, चल अब ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है ना, और ये आपका टाइमर है। ये मोर देन सफिशियंट समय है, लगभग 1.5 मिनट से ज्यादा का समय दे रहा हूं। जल्दी सोचो, जल्दी सोचो कैसे होगा। जल्दी सोचो, अब इस तरीके के क्वेश्चन कर तो लो। अब ऐसी सीटिंग अरेंजमेंट दे रहा हूं तो कम से कम अब बिना सीटिंग अरेंजमेंट के कोई काम हो नहीं सकता, पता है। सीटिंग अरेंजमेंट तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। चालीस सेकंड बचे हैं सिर्फ आपके, जल्दी से सॉल्व करो। 1 2 3 4 5 6 7 है, सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, यानी आपको लेफ्ट राइट की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जो लेफ्ट आपका लेफ्ट है, जो आपका राइट राइट है, केवल वही लेफ्ट राइट है, कुछ भी चेंज नहीं है। बीस सेकंड बचे तो है, तो अब देखो मैक्सिमम लोगों ने सॉल्व कर लिया, जल्दी से बता दो आंसर क्या आएगा। ठीक, अब जरा सुनो, उसने क्या बोला कि 2 is seated 4 to the left of 6, ठीक है। तो अगर 6 यहां बैठा है तो भाई फेसिंग टू द नॉर्थ है, तो लेफ्ट इधर होगा, 1 2 3 4, फोर्थ बोल रहा है, तो इसका मतलब 2 कहां बैठेगा भाई, अगर 6 यहां बैठेगा तो 2 यहां बैठेगा, बिल्कुल फोर्थ बोल रहा है, तो फोर्थ हो गया, चलो ठीक है। 6 सीटेड आइदर फोर्थ फ्रॉम द राइट, यानी जो 6 है वो आइदर फोर्थ फ्रॉम द राइट, अगर 6 यहाँ पे है तो यानी 6 फोर्थ फ्रॉम द राइट है, ठीक है ना। तो चलो पहले हम एक बार बना लेते हैं, ठीक है। अगर उसने बोला 6 सीटेड आइदर फोर्थ फ्रॉम द राइट और 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अगर 6 एक बार बाएं तरफ से छठवें पे है, ठीक है ना, उसने बोला कि 6 इज सीटेड आइदर फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड एंड 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहां से इसे इस लेफ्ट हैंड से छठवें पोजीशन पे है, जो कि यहां आ गया। और अगर इस 6 की मैं बात करूं तो इधर से ये चौथे एंड पे है, यानी ये 1 इधर 3 होगा, ऐसे होगा, ठीक है। अब इसके लेफ्ट में क्या बोल रहा है, 2, तो एक कंडीशन और मैंने बना ली, 1 2 3 और 4 यहां पे क्या होगा, 2 होगा, बोलो बात सही है। 8 लोग होने चाहिए, यहां तक आपको कंडीशन समझ में आई कि नहीं। उसने बोला, पहले उसने बोला कि जो 2 है वो 6 के बाएं चौथा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड चौथा है, तो 1 2 3 4 मैंने बैठा लिया, लेकिन नीचे बोल रहा है 6 आइदर फोर्थ फ्रॉम द राइट और फोर्थ फ्रॉम द राइट, यानी 1 2 3 4, ये देखो फोर्थ फ्रॉम द राइट हो गया और 6 फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब जरा सोचो 8 लोग हैं तो यहां पे 7 8, ये ऊपर के 8 लोग हो गए, और इधर से तो आप बढ़ नहीं सकता क्योंकि इधर से चौथा ही है वो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे भी 8 हो गए। अब 8 8 लोग हो गए, 8 8 लोग हो गए, चलो अगर कोई दिक्कत, इनको ऊपर नीचे एक एक जैसा बना लेना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यहां पे देखो, यहां पे ऐसे बना ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 6 यहाँ पे बैठेगा, बोलो बात सही कि नहीं, क्योंकि एक बार राइट हैंड साइड से चौथा है और लेफ्ट हैंड साइड से छठवां है, चलो ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, 3 is seated second to the right of 1, अब 3 is seated second to the right of 1, तो अगर 1 है तो इसका सेकेंड राइट में यहाँ पे 3 होगा, ऐसी एक कंडीशन, चलो ठीक है। और यहाँ पे 2 था ना चौथे पे, तो यहाँ पे 2 हो गया चौथे, ठीक है, ये कंडीशन बैठ गई। आगे देखो, अब यहां पे क्या बोला, 1 is not an immediate neighbor of 6, अब 1 जो है वो 6 का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो अब जरा समझना कंडीशन क्या है, कि अगर अगर उसने बोला 3 is seated second to the right of
वन, तो अगर वन यहां है तो एक दो थ्री यहां आएगा, और वन यहां है तो एक दो थ्री यहां आएगा, ठीक है ना। अब वन यहां है तो वन टू थ्री यहां आएगा, तो ऐसे कई कंडीशन बन सकती है, चलो ठीक है। फिर आगे क्या बोला, फोर एंड फाइव आर एडजेसेंट टू ईच अदर, चार और पांच एक दूसरे से अगल बगल होंगे, यानी अगल बगल चार पांच बैठेंगे, लेकिन दोनों किसी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेंगे, यानी चार पांच यहां नहीं आ सकता, बोलो हाँ है ना। तो या तो चार पांच यहां आएगा या तो चार पांच यहां आएगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, ठीक। आगे क्या बोल रहा है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन फाइव एंड सेवन, तो फाइव और सेवन के बीच में एक व्यक्ति है, तो फाइव और सेवन के बीच में एक व्यक्ति है, तो सेवन फाइव भी हो सकता है, यानी अगर आप इसको ऐसे भी लिखना चाहें तो फाइव और सेवन के बीच में एक व्यक्ति, फाइव और सेवन के बीच में एक व्यक्ति है, ऐसा है, चलो ठीक है। सेवन डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ठीक है, सात किसी छोर पर नहीं बैठेगा। अब कंडीशन सोचो कि हमारे पास एक ही डिस्टेंस वाला स्टेटमेंट बचा है कि जो थ्री है, थ्री इज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ वन, तो अब हमको पॉसिबल कंडीशन सोच के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर एक बार हम वन को यहां बैठाते हैं तो एक दो तीन, तीन यहां बैठेगा, बोलो हाँ है ना। और अगर वन को यहां बैठाता हूं तो एक दो तीन, तीन यहां बैठेगा, बोलो हाँ है ना, ठीक। और अगर वन को यहां बैठाते हैं तो एक दो तीन यहां बैठेगा, इतनी कंडीशन है। लेकिन उसने बोला कि चार और पांच एक साथ बैठेंगे। अगर मैं इस वन टू को एक थ्री, अब एक बात मेरी समझना, मैं इसको मिटा के आपको एकदम साफ साफ समझाता हूं, जरा सुनना। अगर मैं ए वन यहां रखता हूं, थ्री यहां रखता हूं, तो बात सही है। अगर यहां नहीं रखता हूं, अगर मैं वन को यहां रखता हूं, थ्री को यहां रखता हूं, तो चार पांच एक साथ होने चाहिए, लेकिन कॉर्नर पे नहीं होंगे, यानी ये सब किसी एंड पे नहीं होंगे। देखो, चार पांच एडजेसेंट टू ईच अदर बट नॉट ऑफ देम एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, तो यहां पे चार पांच एक्सट्रीम एंड पे आ जाएगा, तो ये कंडीशन भी गलत हो गई, बोलो हाँ है ना। और अगर मैं एक को यहां रखता हूं, तीन को यहां रखता हूं, बोलो हाँ है ना, और जो चार पांच एक साथ आने चाहिए, चार पांच एक साथ आने चाहिए, तो चार पांच तो एक साथ आ जाएंगे, लेकिन सेवन डज नॉट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, सेवन किसी छोर पे नहीं होगा, तो सेवन यहां और यहां नहीं आ सकता। तो यानी आपके पास कंडीशन क्या बची, अब आपके पास कंडीशन क्या बची कि एक को यहां बैठा दे, तीन को यहां बैठा दे, तो थ्री इज अ सेकंड टू द राइट ऑफ वन हो गया। अब यहां पे फोर या फाइव एक साथ हो जाएगा, फोर या फाइव एक साथ हो जाएगा। उसने बोला पांच और सात के बीच में एक लोग बैठे हैं, तो पांच और सात के बीच में एक लोग बैठे हैं, तो ये कंफर्म हो गया कि चार यहां आएगा, पांच यहां आएगा, और सात फिर इस जगह आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। बचा आठ, वो यहां पे आ जाएगा, बोलो बात सही है। तो इसी कंडीशन में हमारा सही हो गया और हमें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी, और यहां पे ये हमारा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ आंसर बिल्कुल सही हो गया। देखो, हमेशा नियरेस्ट चीजें जैसे फोर फाइव एक साथ हैं, तो जो हमारा सबसे ज्यादा जगह कंज्यूम करे उन लाइनों को पकड़ लेने से ज्यादा जगह घिर जाती है, और फिर वो क्वेश्चन हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाता है। तो यहां पे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो, अब इसके बाद एक अगला क्वेश्चन होता है, ठीक है, अब जल्दी से इसका जवाब दे दो। एक परिवार में सात लोग हैं, छोटा सा क्वेश्चन, पचास सेकंड तो मैंने ज्यादा समय दे दिया, ये तो उससे पहले भी आप कर लोगे, आराम से कर लो। तीस सेकंड बाकी आपका, जल्दी से। अब जरा मेरी बात समझो, उसने बोला इन अ फैमिली ऑफ सेवन पीपल, सात लोगों लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जे एंड के, डी इज अ सिस्टर ऑफ सी, तो हमने बना लिया डी किसकी बहन है, सी की बहन है, तो डी इज अ सिस्टर ऑफ सी, ठीक है, डी इज अ सिस्टर ऑफ सी एंड ओनली डॉटर ऑफ बी। अब देखो, ये सिर्फ छोटी छोटी बातें जो सेंस क्लियर कर देती हैं। डी इज अ सिस्टर ऑफ सी, डी सी की बहन है, और ये एकलौती बिटिया है किसकी, बी की, तो अगर ये एकलौती बेटी है तो ये पक्का भाई हो जाएगा, भाई डी इज अ सिस्टर ऑफ सी, ये तो पक्का है, लेकिन डी इज अ ओनली डॉटर ऑफ बी, तो सी पक्का भाई हो जाएगा क्योंकि एकलौती बिटिया है। हु मतलब जस्ट बगल वाले के लिए होगा, उसने बोला हु इज स्पाउस ऑफ ए, ए और बी आपस में क्या है, पति पत्नी है, लेकिन इसमें कौन पति है कौन पत्नी ये अभी हमको पता नहीं, चलो ठीक है। बी इज अ ग्रैंड मदर ऑफ जे एंड के, ये बी क्या है, ग्रैंड मदर है किसकी, जे एंड के की, अगर ये ग्रैंड मदर है तो स्वाभाविक सी बात है इसकी शादी पुरुष से ही होगी, ठीक है। हुज मदर इज एफ, इन बच्चों की माँ कौन है,
एफ है, सॉरी इन बच्चों की माँ कौन है, एफ है। अब आप इतने बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं कि आप समझ जाते हैं कि सर कहना क्या चाह रहे हैं, कि इसकी एकलौती बिटिया है डी है, बोलो हाँ या ना, और इन बच्चों की वजह से ये ग्रैंड मदर बन रही है, तो ये बी मतलब ग्रैंड मदर बने बिना तो मानेगी नहीं, ये तो कन्फर्म है, लेकिन ये सर पटक दे नानी कभी नहीं बन सकती, मर जाएगी ये लेकिन नानी कभी नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि ये इसकी एकलौती बिटिया है और इस बच्चों में इसका कोई योगदान नहीं, क्योंकि इस बच्चों की जो माँ है वो एफ है। अब ये ग्रैंड मदर भाई कैसे बनेगी, नानी तो आजीवन कभी जीवन में नहीं बन सकती, क्योंकि जे और के की माँ एफ है, डी से कोई मतलब नहीं, और डी उसकी एकलौती बिटिया है, इसका मतलब अब इनका विवाह संपन्न कराना पड़ेगा, तो नानी ना सही तो दादी, लेकिन दादी तभी बनेगी जब वो आपस में शादी कर लेंगे, तो डी और एफ यहां पे संबंध क्या हो जाएगा, आपस में ननद और भाभी का संबंध हो जाएगा, यानी ब्रदर सिस्टर इन लॉ विल बी द राइट आंसर, डी इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, डी किसके क्या हो गई, सिस्टर इन लॉ हो गई एफ की। अब जल्दी से इस पजल का जवाब बताओ, अब इसका पहले हिंदी देख लो, पहले हिंदी देख लो फिर हम इस पे चर्चा करेंगे, तो पहले इसकी हिंदी देख लो क्या है भाई, इस तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस में रखो, आराम से हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस में रखोगे तो मजा आएगी, ठीक है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया, चल अब ये आपका टाइमर है, चल जल्दी से इसको सॉल्व करो। इसे सॉल्व करो और बताओ जवाब क्या होगा। सोचो अब इसे, अब इस तरीके के क्वेश्चन अब आते हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं, आपको आसान लगते हैं तो सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, तो आसान है या टफ है ये जल्दी से आप सोचो और बताओ जल्दी से कैसे होगा, तीन तीन पैरामीटर आपको बनाने हैं। देखो मैं रेड ब्लैक क्यों कर देता हूं कि आपको ये ना लगे सर इतना बड़ा पजल, पहले ही दिमाग में समझ लो कि ये सिर्फ चार लाइन का पजल है, बस चार लाइन का है, ऊपर जो है उससे पंचायत लिखी हुई है, इंट्रो लिखा हुआ है, हर क्वेश्चन का एक इंट्रोडक्शन होता है, एक नोटिफिकेशन होता है, जल्दी वो 20 सेकंड बचे हैं आपके पास। चलो खत्म हो गया, अब चलो मैं आपको बता दूं, ये हिंदी था ठीक है, अब ये इंग्लिश, चलो मैंने ऊपर रेड वाला हटा दिया, उतना इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ था, तो इंस्ट्रक्शंस में क्या थे, यहाँ पे इतने पे होगा नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि इधर हम देख लेंगे ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं क्या है भाई, सबसे पहले क्या था इसमें कि पी क्यू आर एस टी वी एक स्कूल में 7 विद्यार्थी हैं ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्या बना लेते हैं, स्टूडेंट बना लेते हैं, तो उसमें जो क्लासेज हैं, क्लासेज क्या है कि फोर्थ से स्टार्ट है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन फिर क्या है एट नाइन और टेन ठीक है, ऐसे क्लासेस हैं, तो हमने ये क्लासेस बना ली ठीक है, ये हमने क्लासेस बना ली ठीक। अब ये क्लासेस के बाद ये बन गया, ये क्लासेस के बाद अब यहां पे क्या है, ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट है और ये उनके सब्जेक्ट है, ये उनके सब्जेक्ट, ये उनकी क्लास है ठीक है ना, ये उनकी क्लास है ठीक है, क्लास हो गया, स्टूडेंट हो गया और सब्जेक्ट हो गया। चल अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, उसने बोला क्यू स्टडी इन सेवन, तो सबसे पहले उसने बोला क्यू सेवन में है तो हमने बैठा लिया, एंड डज नॉट लाइक आइदर मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी, यानी ये जो है इसको मैथ्स भी नहीं पसंद है, मतलब जो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ वो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ, और इसे क्या नहीं पसंद है, ज्योग्राफी भी नहीं पसंद, तो जितना दाम उतना काम ठीक है ना, यानी इसको ये दोनों चीज़ें नहीं पसंद है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे जो Q है वो यहाँ पे आ गया, मैं इधर थोड़ा सा एकदम कलर चेंज करके लिखता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ये Q हो गया और इसको ना मैथ्स पसंद है और ना इसको जियोग्राफी पसंद है। चलो ठीक है, आगे देखते क्या है, आर लाइक इंग्लिश एंड डज नॉट, आर को क्या पसंद है, इंग्लिश, तो यहाँ पे लिख लेते हैं आर को इंग्लिश पसंद है, तो जो पसंद है भाई इसको मैं ऐसे लिख ली, आर को इंग्लिश पसंद है
ठीक है, एंड डज नॉट स्टडी आइदर फिफ्थ और नाइन्थ। और ये कहाँ पे नहीं पढ़ता, एक तो फिफ्थ में नहीं पढ़ता और ऊपर से ये एक तो नाइन्थ में भी नहीं पढ़ता, ठीक है ना। ठीक, यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन, एक भी लाइन आगे पीछे नहीं पढ़ी। तो ये सब इजी नहीं, इजिएस्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसको देखना ध्यान से। टी क्या है, एर्थ में पढ़ता है, तो टी कहाँ पढ़ता है, एर्थ में पढ़ता है, चलो ठीक है, एर्थ स्टैंडर्ड। एंड लाइक हिंदी, और इसको क्या पसंद है, हिंदी पसंद है, तो इसको हिंदी पसंद है, चलो ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, द वन हु लाइक साइंस स्टडी इन टेंथ स्टैंडर्ड, तो जिसको साइंस पसंद है वो कहाँ पढ़ता है, टेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ता है। एस स्टडी इन क्लास फोर्थ, तो एस कहाँ पढ़ता है, फोर्थ में पढ़ता है, स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड। डब्ल्यू, फिर क्या बोले, डब्ल्यू लाइक संस्कृत, डब्ल्यू को क्या पसंद है, संस्कृत, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डब्ल्यू को क्या पसंद है, संस्कृत, संस्कृत पसंद है, ठीक है, डब्ल्यू को संस्कृत पसंद है। अब आगे देखते हैं क्या है, फिर क्या है, पी डज नॉट स्टडी टेंथ स्टैंडर्ड, पी कहाँ नहीं है, टेंथ में नहीं है, तो यहाँ पे फिर लिख के पी टेंथ पे नहीं, चलो ठीक। द वन हु लाइक ज्योग्राफी स्टडी इन फिफ्थ स्टैंडर्ड, जो ज्योग्राफी में है उसे ये पसंद है, ये हो गया ज्योग्राफी, बोलो बात सही है, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कंडीशन क्या मिलाते हैं कि आर को इंग्लिश पसंद है, तो आर ना पाँच में जाएगा, ठीक है, आर ना पाँच में जाएगा और ना ही नाइन्थ में जाएगा, तो ये पेयर बैठ कहाँ सकता है, ये पेयर सिर्फ यहीं बैठ सकता है, आर यहाँ हो गया तो इंग्लिश यहाँ हो गया, और तो कोई जगह बाकी नहीं है, क्योंकि नाइन्थ में आ नहीं सकता है, नाइन्थ में आर आएगा नहीं और आर ना ही यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो और हमारे पास कोई जगह नहीं, यहाँ बैठा नहीं सकते क्योंकि यहाँ साइंस बैठा हुआ है, चलो ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन हो गई, तो इसको मिटा देते हैं, चलो ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि यहाँ तक हो गया, ठीक है ना, ठीक यहाँ तक हो गया। अब क्या बचा भाई, और कोई कंडीशन यहाँ पे, लाइक ये द वन हु लाइक साइंस इज, ठीक है, टेंथ स्टैंडर्ड है, डब्ल्यू को संस्कृत पसंद है, अब डब्ल्यू कहाँ आ सकता है, डब्ल्यू यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि उसको संस्कृत पसंद है, डब्ल्यू यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ ज्योग्राफी पहले से, तो यानी डब्ल्यू यहाँ आ गया और संस्कृत यहाँ आ गया, संस्कृत यहाँ आ गया, ठीक है ना, चलो ठीक है, संस्कृत यहाँ आ गई। और आगे देखते हैं क्या है भाई, और आगे देखते हैं क्या है, ठीक है, संस्कृत यहाँ आ गई। फिर क्या बोल रहा है कि पी दस में नहीं है, पी यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो पी कहाँ बैठ जाएगा, पी यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। और एक बचा कौन था, पी क्यू आर एस टी यू वी, यहाँ पे ना वी था, ठीक है, तो वी यहाँ पे आ गया, ठीक। और अब देखते हैं सब्जेक्ट, ये मैथ्स और ज्योग्राफी नहीं पसंद करता है, ना मैथ्स ना ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी तो हो गया, मैथ्स यहाँ आएगा नहीं, तो मैथ्स कहाँ गया, मैथ्स यहाँ आ गया, ठीक। एक सब्जेक्ट बचा, वो क्या था, हिस्ट्री, वो हिस्ट्री कहाँ गया, ये यहाँ पे आ गया, और ये हमारी कंडीशन फुलफिल, ठीक। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, अगर प्री में क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, और ये क्वेश्चंस आप बड़ी भांति तरीके से कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, आप करके कमेंट बॉक्स में जवाब भी दोगे और ये चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी, ठीक है ना। चलो अब आपके पास ये बचा, चलो जल्दी से इसका जवाब बताओ, यू का जेड से क्या संबंध है, सोच समझ के जवाब देना, जो भी जवाब देना सोच समझ के जवाब देना। ये पलट के बोल रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया, ए प्लस बी है तो बी इज द डॉटर ऑफ ए, पलट के बोल रहा है, सीधा सीधा नहीं बोल रहा है कि ए इज द डॉटर ऑफ बी। अगर जेड मल्टीप्लाई बाई टी है तो ए मल्टीप्लाई बाई बी मतलब होता है बी इज अ सन ऑफ ए, यानी टी इज अ सन ऑफ जेड, तो हमने क्या लिखा, टी इज अ सन ऑफ जेड, टी क्या है, जेड का बेटा है। फिर टी माइनस एस, तो ए माइनस बी मतलब बी इज अ वाइफ ऑफ ए, यानी एस इज अ वाइफ ऑफ टी, यानी S इज अ वाइफ ऑफ T, ये किसकी पत्नी है, ठीक है। S मल्टीप्लाई बाई यू, तो S मल्टीप्लाई बाई यू मतलब B इज अ सन ऑफ A, यानी U इज अ सन ऑफ B, बस आगे मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझसे U से Z पूछा है।
अगर दोस्तों ये जो लोग सीएनडी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, तो अगर दोस्तों मैंने पूछा होता कि जेड का यू से क्या संबंध है, तो सीएनडी हो जाता, क्योंकि जेड का जेंडर क्लियर नहीं है। आपने ध्यान नहीं दिया, उसने यू से जेड की तरफ पूछा है, ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि यू का जेड से क्या संबंध है। और जब आप यू के जेड से संबंध बोलेंगे, तो इसका आंसर क्लियर है कि ये जीरो जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड जनरेशन है। और यू से जेड की बात करेंगे तो आंसर आएगा ग्रैंडसन। क्या आंसर आएगा? ग्रैंडसन। आंसर क्या आएगा? ग्रैंडसन। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रैंडसन, जो कि है नहीं, इसलिए यहाँ पे नन ऑफ दीज बिल्कुल सही जवाब होगा। तो सीएनडी क्यों नहीं होगा? आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सीएनडी इसलिए नहीं होगा क्योंकि सीएनडी ये यू से जेड पूछे, जेड से यू पूछ लिया होता तो आंसर सीएनडी हो जाता, ठीक है ना। चल इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। अब देखो 50 सेकंड सफिशियंट था कि नहीं इसके लिए? 50 सेकंड में बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे भाई। पी क्यू आर एस टी एंड एक्स एक परिवार के सदस्य हैं, जो जिसमें दो विवाहित जोड़े हैं। विवाहित जोड़ा जब बोलता है तो दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि विवाहित होना एक नियम कानून के अंतर्गत आता है कि कौन विवाहित होगा कौन सा नहीं। क्यू एक इंजीनियर है। क्यू क्या है? एक इंजीनियर है। तो हमने क्यू लिखा, ठीक है, और ये क्या है? इज एन इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर लिख लिया, ठीक है। क्यू एक इंजीनियर है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया देर आर टू मैरिड कपल, ठीक है। क्यू इज एन इंजीनियर एंड फादर ऑफ टी, और किसका पिता है? टी का पिता है, ये टी का पिता है, चलो ठीक है, पिता है तो पक्का शादीशुदा होगा। बात समझो, अगर उसने दो विवाहित जोड़े बोले, एक्स इज अ ग्रैंड फादर ऑफ आर, एक्स आर का ग्रैंड फादर है, तो देखो पिता एक पीढ़ी ऊपर होता है, और एक्स इज अ ग्रैंड फादर ऑफ आर, तो ग्रैंड फादर है, तो ये करके ये पीढ़ी खाली जाएगी और एक्स इज अ ग्रैंड फादर ऑफ आर हो गया, चलो ठीक है। फिर क्या बोला? एंड इज अ लॉयर, और ये है क्या? लॉयर है, ठीक है ना, लॉयर है, ठीक है। एस इज अ ग्रैंड मदर ऑफ टी, एस क्या है? ग्रैंड मदर है, तो भाई एस अगर ग्रैंड मदर है तो ये एक पीढ़ी, टी की ग्रैंड मदर है तो एक पीढ़ी ऊपर आएगी, बोलो हाँ, है ना, ग्रैंड मदर है यानी फीमेल है, और ये है क्या? हाउस वाइफ है यानी एच डब्ल्यू है, तो एच डब्ल्यू है, तो इनका विवाह तो आपस में होगा, तो हमें एक विवाहित जोड़ा मिल गया, क्योंकि ग्रैंडफादर दादी नीचे उतर के तो शादी करेंगे नहीं, ग्रैंडफादर नीचे वाली जनरेशन में उतर के तो शादी करेंगे नहीं, यानी ये तो हमारे पास कंफर्म हो गया। आगे देखते हैं, फिर क्या बोला? एंड हाउस वाइफ, देयर आर ओनली वन इंजीनियर वन लॉयर, एक इंजीनियर एक लॉयर है, एक पर्सन बच्चा है जो इस जगह पे। देखो जब हम जनरेशन गैप बनाते हैं तो पूरा क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए फिल इन द ब्लैंक्स का काम करने लगता है। अब देखो यहाँ पे एक जगह खाली दिख रही है ना, छह लोग हैं, एक ही बच्चा है, वो कौन है? पी यहाँ पे आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब यहाँ पे विद्यार्थी क्या है? दो है, यहाँ पे बोला ना टू स्टूडेंट्स हैं, तो भाई इंजीनियर के साथ ऊपर तो स्टूडेंट हो नहीं सकता, क्योंकि एक इंजीनियर है, तो स्वाभाविक सी बात है स्टूडेंट कौन हो गए? ये स्टूडेंट हो गए, ठीक है, जिनका जेंडर हमें नहीं पता, और ये क्या हो गई? टीचर हो गई, और इसका जेंडर भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि दो विवाहित जोड़े हैं, तो एक विवाहित जोड़ा ये हो गया है, तो ये मेल है, और ये क्या हो गई? फीमेल हो गई, तो ये टीचर हो गए, और ये सब क्या हो गए? ये स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है ना, ये स्टूडेंट्स हो गए, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये चीजें देखो कितनी आसान है, ये कर लोगे आप, आराम से कर लोगे, लेकिन इन सब बातों को जितना ज्यादा क्लियर कट सोचोगे आपको उतना समझ में आएगा। तो यहां पे जरा देखो, ब्लड रिलेशन विद प्रोफेशन, अगर इस तरीके के क्वेश्चन प्री लेवल में आते हैं तो 60 मिनट का पेपर होता है, और आप देखते हो कि धरती वीरों से खाली नहीं है, तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा कि सर आप उसे टाइम मैनेजमेंट करके कैसे जवाब देते हो। दोस्तों आज का ये होमवर्क है, ये आज का होमवर्क है, और इसको कितने लोग जवाब दे पाते हो ये मुझे देखना है, इसे कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है और मुझे बताना है कि सर इसका ये जवाब होगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जिनका जिनका कमेंट आएगा मैं कल फिर उनसे मुलाकात करूंगा, और जो लोग भाई कमेंट करते हैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद। इसको सॉल्व करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेंगे,
अपने दोस्तों यारों में कहीं भी शेयर करो, इसका आंसर ढूंढो, बताओ, और फिर मजा आएगी जब हम लोग एक साथ रहेंगे, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि ये आपको एकदम समझ में आ गया होगा, एकदम एकदम क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, यहीं तक सीमित करते हैं आज। तो भैया इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना, और इसी तरीके से आपका प्यार सम्मान बना रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। थैंक यू।